हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, ये वीडियो आपको होली से पहले जानी चाहिए थी और ये होली के बाद जा रही है। दोस्तों मेरी सारी वीडियो लेट जा रही हैं और मुझे होली के दूसरे दिन भरतपुर आना पड़ा, इसीलिए आपके पास कोई वीडियो नहीं है। और यहाँ पर भी मम्मी की गाय की तबीयत, मतलब गाय की हमारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और ये वीडियो होली से दो दिन पहले की है दोस्तों। मैंने दो दिन पहले ही गुजिया, खोए की गुजिया बनाई थी और उसी की ये वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी गुजिया बन के तैयार हुई थी दोस्तों। आपको मैंने वीडियो में बताया था कि मैं खोआ बना के लेके आई थी अपनी जिठानी जी के घर से, और वहाँ पर जी मैं खोआ बना के लेके आई थी। उसके दूसरे दिन ही मैंने ये गुंजिया बनाई थी। और यहाँ पर मैंने एक किलो मैदा ले लिया था और ये दोस्तों 1.5 किलो के समथिंग ये खोआ था। इसमें मैंने नारियल कर कद्दूकस करके और इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं बूरा और बूरे की जगह दोस्तों मैं इसमें रवा डालूंगी, जो बूरी की तरह ही आता है, मोटा रहता है। उससे क्या है, ये पतला नहीं होगा, खोआ जो होता है पतला नहीं होगा, जिससे ये मतलब ड्राई रहे और वो गूंजे में से बाहर ना निकले। और यहाँ पर ये देखिए मैंने छान कर मैंने रवा ले लिया है, जो भी इसमें मोटी मोटी डली पड़ जाती हैं वो भी अच्छे से छन जाएंगी, इसीलिए मैंने इसको छान के ले लिया है दोस्तों। और ये 1.5 किलो खोआ था तो इसमें सामान डल के कम ये 2-2.5 किलो हो गया है, 2.5 किलो के समथिंग। और यहाँ पर ये देखिए सॉरी दोस्तों गला ख़राब है। और यहाँ पर ये डुकू हमें बहुत तंग करने में लग रहा था, हमें काम तो करने बिल्कुल ही नहीं दे रहा था। और रात के 10-11 बजे तक हम इनको बनाने में लगे रहे। और यहाँ पर मैं ये गुजिए के लिए पूरी बेल लूँगी, ना तो ये मोटी पूरी चाहिए ना ही ये पतली पूरी, और इसको मैं बेल लूँगी और बेल कर इसमें 2 चम्मच डाल के अच्छे से दब दबा के भर दूँगी दोस्तों। इसमें वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुजिया बनाने में, क्योंकि मैं मशीन से ही बना रही हूँ, हाथ से गुजिया नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टाइम लगता है और मुझ पर हाथ से बनाना नहीं आता। और यहाँ पर मैं हम सारी गुजिया को इसी तरह से बेल कर और रख देंगे एक तरफ बनाकर, और उसके बाद हम इनको तलेंगे दोस्तों। गुजिया बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा एनर्जी या कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पूजा और मैं दोनों ही हम गुंजिया बनाने में लगे हुए थे। अरे पूजा भी बना रही थी साथ के साथ, तो और दोनों बहन झटपट से बना लेंगे दोस्तों गुंजिया। ये देखिए दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं और ये बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, काफी टाइम से ये जगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए छुटकन बुटकन छुटन छुटन सारे, और इन छुटन उटन मम्मी पूजा भी लगी हुई है फोन में, और ये हम बनाने में लगे हुए हैं गुंजिया। ये आधे मटेरियल तो हो गया दोस्तों खराब खत्म। दोस्तों गुंजिया बनाना आसान होता है नहीं होता है, आसान नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी गुंजिया हमारी बन चुकी हैं, और यहाँ पर मैं भी बनाने में लगी हुई हूँ गुंजिया। टाइम लगने वाला है अभी तो, ये दोस्तों तल इनको हम तलेंगे और तब ये जाके गुंजिया तैयार होगी और सुबह हम जब इनको खाएंगे। और ये बच्चे पार्टी लग रहे हैं, जब बना रही है गुजिया दोस्तों।
काम कर दिया था, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कोई सा भी बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा था, बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। बच्चों से काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है, सॉरी दोस्तों, कहाँ पर ध्यान है मेरा पता नहीं। एडिटिंग करते वक्त कहाँ कहाँ दिमाग घूम जाता है, कभी कोई से को पीट कर लेटाओ, कभी कोई सा आ जाता है, कभी किसी को पीट कर लेटाओ तो कोई सा आ जाता है। और ये देखिए वो डुग्गू तो कहाँ पर बैठ कर खेल रहा है ड्रेसिंग के पास, काम भी नहीं करने दे रहा। बच्चों से काम करना मुश्किल होता है, गुंजिया बनाना इतना मुश्किल नहीं होता दोस्तों। इसीलिए मैं कहना चाहती थी कि मतलब गुंजिया बनाना इतना वो नहीं है। बच्चों से चार चार पांच पांच बच्चे जब शैतानियाँ करते हैं तो कभी किसी सामान को छेड़ते हैं, कभी किसी सामान को छेड़ते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है काम करने में। और ये देखिए फिर से ये आ गया, कभी अखबार को छेड़ रहा था, कभी गुंजिया ये खींच रहा था, कभी तोड़ रहा था, इसीलिए बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी गुंजिया बनाने में। वैसे तो बहुत ही मतलब इतने रात में ठीक ठाक रहता है, सब सो जाते हैं आराम से लगे रहो, लेकिन बच्चे सो जाते जब और ही अच्छा रहता। और ये देखिए गुजिया तलने में तलने लग गए हैं और आधी सी बन गई हैं। और ये देखिए कितनी ही अच्छी गुजिया बन के तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी दोस्तों, क्रिस्पी थी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से इतनी क्रिस्पी थी गुजिया, खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर इनको हम तल लेंगे अच्छे से, मतलब मीडियम आंच पर हम इनको तलेंगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा तेज़ चाहिए ना ज़्यादा धीमी आंच चाहिए इसमें, जिससे कि अंदर से भी पक जाएं। और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी रह गई थी, चार पांच गुंजियाँ, उनको पूजा लग रही थी बनाने में और मैं तलने में लगी हुई थी। और यहाँ पर हमको साफ़ सफाई करके भी सोनी है, सारा फैल गया था सामान इधर उधर दोस्तों, त्योहारों के टाइम पर ये फैल ही जाता है। और यहाँ पर एक गुजिया शायद खुल गई थी तो उसमें से मीठा निकल गया, तो ऐसे काले काले धब्बे से लग गए थे। वैसे गुजिया बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन कोई कोई तो खुली जाती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी ऐसी ही है ख़राब सी, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है मशीन, और इसीलिए उसमें मतलब निकल जाते हैं, अच्छे से बंद नहीं होती है वो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और काफ़ी टाइम मतलब लेट सेट वीडियो आ रही हैं, सॉरी दोस्तों उसके लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम मैं वीडियो डालूं, आगे आप वीडियो देखते रहिए। फाइनली दोस्तों हमारे रात के 11 बजे बन के तैयार हो गए हैं गुंजे। ये गुंजे रात के 11 बजे तक हम लग रहे हैं इनको बनाने के लिए, सारे लोग सो रहे हैं, हम गुंजे बना रहे हैं। और ये मावा के बहुत टेस्टी बने हैं दोस्तों, और उसमें भी रखे हैं नीचे भगोने में, और इसमें भी रख दिया हमने, एक ही बर्तन आए नहीं थे। और अब हो रही है सोने की तैयारी, ये तो खेल रहा है खेल।